राजौरी के कालाकोट में डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जहां ये डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा है वहां कब्रिस्तान है, और इसी बात का विरोध स्थानीय लोगों ने किया। और लोगों का कहना है कि ये महज एक अफवाह है, जहां ये डिग्री कॉलेज बन रहा है वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है। लोगों में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों में डर बनाया जा रहा है ताकि वो कॉलेज वहाँ ना बने। स्थानीय लोगों ने इसी बात का विरोध किया था और आज खंडन करते हुए उन लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाए क्योंकि वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, वो बात सिर्फ महज एक अफवाह थी। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द वहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने का काम शुरू किया जाए। जाकिर नवाज़, सदर औकाफ़ इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद शरीफ कालाकोट और मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो तहसील है उसको भी हेड करता हूँ। गुज़श्ता दिनों उड़ान में और अखबार यहाँ का निकलता है, अजान सहर और कुछ और पेपरों में भी कुछ एक न्यूज़ है जो उर्दू के पेपर थे, जो उनमें न्यूज़ एक निकली कि कालाकोट में जामा मस्जिद से जुमा की नमाज के बाद हज़ारों की तादाद में मुसलमान निकले और उन्होंने कालाकोट में गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान को मिसमार करके वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाने की मुखालफत की। मैं थोड़ा सा इसको वाजिया करूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत थी तो एक संगे बुनियाद का वहाँ पे एक फ्रेम बना था, तो वो बिल्कुल कब्रों के नज़दीक था, उसकी बिल्कुल हमने मुखालफत की थी, उस दौर में मुखालफत की थी कि यहाँ पर क्योंकि वो कब्रों के नज़दीक था तो लिहाजा उस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया और दूसरी जगह उस कॉलेज को उस वक्त शिफ्ट किया गया था।